जब मुझे कोई फिल्म सरप्राइज कर देती है तो उसके एप्रिसिएशन के लिए भी मुझे वीडियो बनाने का मन करता है और उसको सपोर्ट करने का भी मन करता है। वेदर इट वॉज ओके फिल्म, इट वॉज़ नॉट दैट मच वेल एक्चुअली, मुझे उतनी क्लिक नहीं हुई फिल्म, पर फिर भी मैंने प्रेडिक्शन के नाम पे ये भी बोला था कि क्योंकि ये मैडॉक फिल्म्स की फिल्म है फ्लॉप तो नहीं होगी। जी हाँ, ये मैं बार बार बोला था। 30 करोड़ में बनी है मुंजिया की अगर मैं बात करूँ तो, पहले दिन अगर 4.21 करोड़ का बिजनेस आता है तो लोग सरप्राइज ज़रूर होते हैं, लेकिन मैं सरप्राइज़ नहीं हुआ था। मैंने इसके मैं बहुत रेयरली ट्रेलर रिव्यूज़ बनाता हूँ, मैंने इसके ट्रेलर का भी जानबूझ के रिव्यू किया था और मूवी भी देखी मैंने। कहने का मतलब ये है कि मैं जानता था कि ये फिल्म अच्छा करने वाली है। अब उसमें आप बोलोगे कि भाई आपको कैसे लगा था कि ये होगा, तो भाई क्या है कि जब मैं बार बार बोलते आया हूँ कि बॉलीवुड ने हमेशा हॉरर कॉमेडी पे ध्यान देना चाहिए, हॉरर कॉमेडी एक ऐसा टॉपिक है, क्यों भूल भुलैया अच्छी चली थी, आई एग्री कि अक्षय कुमार का एक ये था, लेकिन भूल भुलैया 2 की भी अगर मैं बात करूँ क्यों चली थी, ठीक है अक्षय कुमार वाला फैक्टर था, लेकिन वो बात की बात है। पहले ये है कि लोगों को हॉरर कॉमेडी फिल्में बहुत पसंद आती है, बॉलीवुड ने ये भी सोचना चाहिए कि रैदर देन ये छोटी बड़ी रोमांटिक फिल्में बनाने से अच्छा है आप इन फिल्मों पे ध्यान दो। अब देखो यहाँ पे कोई बहुत बड़ी एक्ट्रेस या एक्टर है नहीं, फिल्म लोगों को क्लिक हो गई। अब कुछ लोग यहाँ पे ये भी बोलेंगे भाई अभी कुछ ज़्यादा फिल्में नहीं है इसलिए चल गई, ऐसा नहीं है भाई। अप्रिशिएट करना सीखो कि भाई हाँ कुछ तो डिफरेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ हॉरर कॉमेडी फिल्में या फिर थोड़ी सी थ्रिलर फिल्में, जैसे शैतान जो एक ब्लैक मैजिक वाली फिल्म थी, अब ये भी अच्छी, देखो भाई 30 करोड़ में बनी और 4 करोड़ का ओपनिंग, ठीक है प्रीमियर जो हुए थे उसके उसमें वो उसका भी काउंट हुआ है कलेक्शन, मतलब मान के चलो कि फ्राइडे को रिलीज़ हुई थी तो थर्सडे के शाम के शोज का भी कलेक्शन ऐड होके वो डे वन में काउंट होगा, तो एक दिन में 4.21 करोड़ आना, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ राजकुमार राव की जो श्रीकांत 50 करोड़ पे है और मिसेस माई क्या वो जो भी है वो भी 25 करोड़ पे है, उसको पेल देगी ये मुंजा मूवी, देख लेना। हाँ आने दो उसके अगले वीक में चंदू चैंपियन को, फ़र्क नहीं पड़ता है, हाँ वो भी अच्छा करेगी नो डाउट, पर ये भाई इसके भी स्क्रीन्स अच्छे रहेंगे, ये इतना अच्छा करने वाली है बिज़नेस, ये रहने वाली है, टिकने वाली है कल की आने तक, ये याद रखना। वीडियो को शेयर करना, आज अगर देखो कल का जो कलेक्शन है वो कल का और परसों का मिला के 4.21 करोड़ आया है, डे टू की अगर मैं प्रेडिक्शन करूँ तो 4 करोड़ आएगा टोटल मिला के, मतलब कल समथिंग अराउंड 3 and 3.5 मे बी उस टाइप का आया होगा, परसों का और कल का ऐड मिला के, परसों का जो है प्रीमियर शोज है उनका ऐड मिला के वो 4.21 करोड़ दिख रहा है डे वन का, तो 4 करोड़ के थोड़ा कम भी आ सकता है दूसरे दिन, लेकिन 2 दिन में मैं ये मान के चलता हूँ 7.5 करोड़ का बिजनेस ये फिल्म कर लेगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लेकिन वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।